सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। आपको बता दूं कि आज सोमावती अमावस्या है और अमावस्या के दिन इस वक्त हम छोटे काशी के नाम से मशहूर तीर्थ स्थल पुरमंडल में है, जहां पर आपको आज हम बता दें कि हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और आप खुद देख सकते हैं कि लंबी लंबी कतारें जो जहां पर लगी हुई हैं, श्रद्धालु अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और हाथों में लोटे लेकर बाल्टियां लेकर भगवान शिव के मंदिर में जो जल चढ़ा रहे हैं और पूजा अर्चना कर रहे हैं। वहीं हम आपको बता दूं कि सांबा जिले में भी आज हर धार्मिक स्थल जो भी हैं, जितने भी धार्मिक स्थल हैं, चाहे चीची माता है, चाहे बाबा सिद्ध सुवांखा है और उसके अलावा बाबा गोरन है, जितने भी तीर्थ स्थल हैं वहाँ पर भी लोग श्रद्धालु जो पहुँच रहे हैं और माथा टेक रहे हैं, क्योंकि सोमावती अमावस्या एक लंबे टाइम के बाद आती है, लंबे समय के बाद आती है, तो और बेसब्री से श्रद्धालु जो हैं इस दिन का इंतजार करते हैं। और वहीं अमावस्या के दिन, सोमावती अमावस्या के दिन श्रद्धालु बड़ी संख्या में हरिद्वार में भी पहुँचते हैं, और वहीं जो लोग हरिद्वार में नहीं पहुँच पाते तो वह छोटे काशी पुरमंडल में पहुँचते हैं। और जहाँ पर कहा जाता है कि हरिद्वार जो लोग नहीं पहुँच पाते हैं किसी कारण, अगर वह लोग जहाँ पर आके भगवान शिव के दर्शन करते हैं, उनको जल चढ़ाते हैं, तो हरिद्वार के बराबर उनको जो पुण्य मिलता है। आप जिस तरह से विजुअल देख रहे हैं कि किस तरह से आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा संख्या में श्रद्धालु जो पहुँचे हुए हैं, और उसी के बाद आप देख सकते हैं बाजार भी सजे हुए हैं, किस तरह से खूबसूरत बाजार सजे हैं, लोग जो है खरीद फरोख्त कर रहे हैं। और वहीं हलवाई की दुकानें भी सजी हुई है, जहाँ पर पकौड़े और उसके अलावा जलेबियाँ वगैरह जो बनी हुई हैं। वहीं आपको बता दूं कि श्रद्धालुओं द्वारा जो लंगरों का भी बंदोबस्त यहाँ पे किया गया है, और उसी के साथ धर्म ट्रस्ट की तरफ से भी खास तैयारियाँ जो सोमावती अमावस्या पर की गई हैं। और उसी के साथ अगर बात की जाए तो पुलिस प्रशासन की हो, जहाँ पर अपने जिला प्रशासन की हो, उनकी तरफ से भी खास तैयारियाँ की गई हैं। पुलिस की भी तैनाती यहाँ पर जो की गई है, और लगातार टीमों को अलग अलग जगह पर लगाया गया, खासकर सुरक्षा के कड़े प्रबंध भी जो जहाँ पर किए गए हैं, आप पूरे विजुअल भी देख सकते हैं किस तरह से पुलिसकर्मी अभी जहाँ पर तैनात है। लेकिन काफ़ी ज़्यादा भीड़ आज पुरमंडल में देखने को मिली है, करीब हजारों की संख्या में जो श्रद्धालु जहाँ पर पहुँचे और माथा टेक कर अपने परिवार की सुख शांति की जो कामना की है। बाकी आप लोग देखते रहें दैनिक स्टार समाचार, मुझे और मेरे सहयोगी को दें इजाज़त। धन्यवाद।